सुदीप सर, दूसरा स्टॉक आपका। ये मेरा दूसरा जो पसंद का स्टॉक है वो भी एक बहुत ही ट्रेंडिंग सेक्टर का है, बट एस्टैब्लिश बिजनेस हाउस का, टाटा टेक्नोलॉजीज का जिक्र मैं करना चाहूंगा। दिग्गज का ग्रुप का पार्ट है और बहुत ही एक इमर्जिंग सेगमेंट में काम काज कर रहा है। सबसे बड़ा दिक्कत इस कंपनी से में था कि ये ज्यादातर ग्रुप का काम करता था, टाटा मोटर्स के लिए काम करता था, ER&D में सेक्टर में काम करते हैं। पर पिछले हफ्ते उन्होंने BMW के साथ एग्रीमेंट साइन किया, जिसके जरिए वो BMW के लिए काम करना चालू करेंगे। ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि BMW के साथ जो बिजनेस चालू करेंगे वो बहुत बड़ा हिस्सा हो जाएगा, पर एक बहुत अच्छा ट्रेंड है। और BMW ने ग्लोबल हंट किया था पार्टनर बनाने के लिए, और उस ग्लोबल हंट के जरिए टाटा टेक्नोलॉजीज पार्टनर सिलेक्ट हुआ है। ये बहुत ही पॉजिटिव एक डेवलपमेंट है टाटा टेक्नोलॉजीज के लिए, और मैं ये मानता हूं कि आने वाले दिनों में और भी जो ग्लोबल ऑटो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है उनके साथ काम करने का एक दरवाजा इनके लिए खुल गया है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक जैसे EV इमर्ज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी कार के अंदर सिंगल कार में टेक्नोलॉजी कॉम्पोनेंट कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, तो टाटा टेक्नोलॉजीज के लिए बिजनेस एक्सपेंशन और इंक्रीमेंटल बिजनेस मिलना बहुत आसान हो जाएगा। ओवरऑल हम लोग यहाँ पे 1400 रुपये का टारगेट रख के 1 साल के लिए निवेशक को खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। टाटा टेक्नोलॉजी एक ऐसा कंपनी है जहाँ पे मैं तो जरूर बताऊंगा कि निवेशक इसमें निवेश करें और अपने पोर्टफोलियो में इसको शामिल करें। ओके, ये बात एक्चुअली मुझे भी नहीं पता थी। मैंने BMW वाली खबर देखी थी, लेकिन ग्लोबल हंट में इनको सेलेक्ट किया गया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है।